गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बरेली अभ्युदय योजना के तहत जेई क्लास में आज आपका स्वागत है। साउंड आ रहा है? आज का हमारा जो टॉपिक है हाइपरबोला। आज हम लोग हाइपरबोला के बारे में स्टार्ट करेंगे और जानेंगे हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आईटी जेई में पूछे जाते हैं। हाइपरबोला इसकी एक जो कॉनिक सेक्शंस आपने पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते थे सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है और चौथा हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला की जो सेंट्रिसिटी है, हाइपरबोला वो कॉनिक सेक्शन है जिसकी इसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा होती है। इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वन, दैट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला से रिलेटेड अब इसकी जनरल इक्वेशंस की अगर हम बात करें और उसको डिस्क्राइब करें, इस तरह का कॉनिक सेक्शन हमारा हाइपरबोला कहलाता है। इसकी जनरल इक्वेशंस जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। इसमें इसेंट्रिसिटी जो हमने ये बनाया हुआ है ए इज ग्रेटर देन वन है, इसेंट्रिसिटी वन से बड़ी होती है ए स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की इसेंट्रिसिटी होती है। इसका फोकस ए कॉमा जीरो, या इसको भी अगर हम कई जगह लिखते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके भी लिख लेते हैं। जिस तरह से हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं वैसे हम इसका भी यूज करते हैं। दोनों ही इक्वेशन जो है वो इसेंट्रिसिटी के लिए सुटेबल है। दो पॉइंट्स आपको पता है कि हाँ एस और एक एस डैश, दीज आर कॉल्ड इनको हम लोग फोकस करते हैं। दो हैं तो फोकस और ये फोकस होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो, यानी प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, ये इनका फोकस होता है। और ये वर्टेक्स होते हैं ए और ए डैश। ए और ए डैश वर्टिसेस होंगे ए कॉमा जीरो, ठीक। ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो आपके ओरिजिन यानी सेंटर वर्टिसेस के बीच में कहीं लाई कर रही है, ये हमारी डायरेक्टर्स कराती है। इनमें से अधिकतर टर्म से हम लोग वाकिफ होंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ई ए अपॉन ई डायरेक्ट्रिक्स है, यहां से डायरेक्ट्रिक्स ये
एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई है और ये x इक्वल टू ए अपॉन ई, ये डायरेक्ट्रिक्स है ठीक है। लेटस रेक्टम इसका जो होता है, लेटस रेक्टम समझते होंगे जो हमारे फोकस से पास होता है और इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, फोकस पे परपेंडिकुलर फोकस के पास होने वाला ये जो सेक्शन है यहां से यहां तक का, इसको हम लोग जानते हैं लेटस रेक्टम के नाम से, और इसकी वैल्यू होती है 2b² / a। ये एक्सेस जो आपका जिस पर फोकस लाई कर रहे हैं, जिन पर वर्टिसेस लाई कर रहे हैं, ये वाला एक्सेस जो है इस एक्सेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल एक्सेस। जैसे इस फिगर में जो फिगर हमने बनाई हुई है, इस फिगर में एक्स एक्सेस जो है वो ट्रांसवर्सल एक्सेस है, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है। एक्स को एक्स डैश, और अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये होगी 2a, और जो दूसरा है वो हमारा कहलाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस इस फिगर में कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है, इसकी लेंथ होगी 2। एक बार इसको हम लोग गर्मी बहुत हम लोग महसूस कर रहे हैं, और मौसम जैसा भी पढ़ना तो पढ़ना है, हम सबके आगे टारगेट है और उस टारगेट को लेकर सिलेबस खत्म करना है। उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं, आएंगे एक एक करके। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो पूछने को, तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका आपको आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम लोग मैक्सिमम कमेंट्स सेक्शन को देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जितनी क्वेरीज हैं उनको हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। तो आप लोग जो ये क्लास कर रहे हैं इसको जस्ट लाइक ऐसे कि क्लास नॉर्मली होने के साथ साथ आप लोग सिंसियर बच्चे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे कि हैंड टू हैंड इसे फिनिश करते जाएंगे, जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसको समझते जाएंगे और आत्मसात करते जाएंगे, स्वीकार करते जाएंगे। जैसे जैसे ये हमारे अंदर समझ जाएगा तब तक हाइपरबोला की प्रॉब्लम्स, हाइपरबोला क्या कोई और टॉपिक होगा, वो टॉपिक्स आपके धीमे धीमे बिल्कुल कॉन्सेप्शनल तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो बेटर है एक बार हम लोग हाइपरबोला की बात करते हैं फिर से, कि हाइपरबोला एक कॉनिक सेक्शन है, वो कॉनिक सेक्शन है जिसकी सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। आपको पता है कि पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स की लेस देन 1 होती है और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होती है। तो हाइपरबोला वो कॉनिक सेक्शन है जिसकी एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, इसकी जनरल इक्वेशन x² / a² - y² / b² = 1 होती है। x² / a² - y² / b² = 1 ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है ठीक है। एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होनी है तो 1 प्लस होनी है, 1 से बड़ा तो भी होगा जब 1 में ऐड करेंगे, 1 प्लस b² / a² ये e² का फॉर्मूला होता है,
हम लोग इससे e की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। कई जगह इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है। थोड़ा सा अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि a² माइनस 1 इक्वल टू b², इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो वही फॉर्मूला। लेकिन आपके पास तीन तरीके, आपको तीन तरीके से अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा, पर है एक ही, सिर्फ फॉर्मेशन से उसकी अलग अलग है। माइंड कीजिए, मुझे गर्मी लग रही है, हो रही है, तो थोड़ा सा महसूस करना पड़ता है। इसकी डायग्राम ये आता है, ये किस तरह का जो कोनिक सेक्शन है, ये इसको कहते हैं पैराबोला। इसी की इक्वेशन है x² - y² - b² = 1। इस पैराबोला में कुछ पॉइंट्स यहां और यहां s और s डैश, जिनको हम कहते हैं फोकस। s एक फोकस है, s डैश दूसरा फोकस है, s और s डैश फोकस है। a और a डैश इसके वर्टेक्स है, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0 और -a, 0 वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट होते हैं। फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं ae, 0 और -ae, 0 फोकस प्लस माइनस ae, 0 और वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0। दो वर्टेक्स हैं, दो फोकस हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स हैं। आपको याद हो कि डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है इतने ही डिस्टेंस से पीछे जो लाइन होती है, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर होती है, जो इसका एक्सेस है, मेन एक्सेस है, उसके परपेंडिकुलर होती है, उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। दो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनती है क्योंकि दो फोकस हैं। फोकस ये है कि यहाँ से इतने डिस्टेंस इतने डिस्टेंस पर एक डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस एक है, तो यहाँ से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस पर एक दूसरी लाइन जो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है। इन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है ये x = a / e और x = -a / e। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x = ± a / e। लेटेस्ट रेक्टम वो सेक्शन है लाइंस का जो कि परपेंडिकुलर होगा इस एक्सिस के और फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस जितना ऊपर सेक्शन कट हो रहा होगा उतना ही नीचे कट हो रहा होगा। इस पूरे लेटर सेक्टम की लेंथ जो होती है ये होती है 2b² / a, ठीक, चाहे लेटर सेक्टम यहाँ हो चाहे यहाँ, लेंथ 2b² / a होती है। इस फिगर को अगर हम देखना है जिसमें एक एक्सिस ये दिखाई दे रहा है और एक एक्सिस ये दिखाई दे रहा है, ठीक, ये वाला एक्सिस कहलाता है ट्रांसवर्सल एक्सिस और ये वाला एक्सिस कहलाता है कंजुगेट एक्सिस। अगर लेंथ की बात करें तो यहां से यहां तक ये इसकी लेंथ होती है विच इज इक्वल टू 2a और इसी तरह यहां पर लेंथ होगी (0, b) - (0, -2), ठीक है, ये दो कॉन्जुगेट एक्सेस पे होंगे तो कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ होगी b + b, यहां से ज्यादा 2b। इतनी चीज क्लियर हो गई है, हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है, समझना है, तो आप यहाँ पे वीडियो को जो है पॉज कर ले, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हों वो, और बाकी के लिए मैं एक 5 सेकंड एक नज़र मारिए सरसरी से, मैं इसे हटाता हूँ और आगे बात करते हैं हम लोग।
इस पर कोई पॉइंट पी लिया है, एच पे, तो पी से एस तक की डिस्टेंस, पी से एस डैश तक की डिस्टेंस का डिफरेंस पी एस और पी एस डैश तक के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड होगा 2a के इक्वल, पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल 2a फॉर एनी पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का कोई पॉइंट p है उसके अगर हम दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है एंड दैट इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल एक्सिस, तो ट्रांसवर्सल एक्सिस कितना था 2a, तो ये 2a के इक्वल होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला किसे कहेंगे? और मैथ्स के स्टूडेंट्स हम लोग तो कॉन्जुगेट मतलब समझते ही हैं, ठीक है, वैसे थोड़ा सा एक्सचेंज होता है साइन का, और यहाँ साइन के डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो हाइपरबोला है और वो दो हाइपरबोला किस तरह से है कि जो पहले का ट्रांसवर्सल एक्सिस है वो दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सिस को और जो पहले का कॉन्जुगेट एक्सिस है वो दूसरे का ट्रांसवर्सल एक्सिस है, इसका ट्रांसवर्सल एक्सिस, इसका कॉन्जुगेट एक्सिस और इसका कॉन्जुगेट एक्सिस का ट्रांसवर्सल, एक हाइपरबोला ये बना हुआ है, एक हाइपरबोला इस तरह से बनेगा तो उसमें ट्रांसवर्सल एक्सिस ये हो जाएगा और ये हो जाएगा साथ में पैराबोला इसका इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। और ये दूसरा हाइपरबोला है, एक हाइपरबोला इस तरह से गुजर रहा है, देखिए इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्सल एक्सिस के वो ये जो कि हमारे इस वाले हाइपरबोला का क्या है कॉन्जुगेट एक्सिस है और इस वाले हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस ये क्योंकि इसके डायरेक्ट्रिक्स ये आएंगे इस तरह से, तो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस इस वाले का ट्रांसवर्सल एक्सिस है, तो पहले का ट्रांसवर्सल एक्सिस दूसरे का कॉन्जुगेट एक्सिस है और जो पहले वाले का कॉन्जुगेट एक्सिस है वो दूसरे वाले का ट्रांसवर्सल एक्सिस है, इसी पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये वाला हाइपरबोला और ये वाला हाइपरबोला ये कहलाते हैं कॉन्जुगेट, जैसे x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, ये हाइपरबोला है, इसका कॉन्जुगेट पैराबोला हाइपरबोला होगा
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसकी इसेंट्रिसिटी ई वन है, इसकी इसेंट्रिसिटी ई टू है, तो इनकी इसेंट्रिसिटी के बीच भी एक रिलेशन है, वन अपॉन ई वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू का स्क्वायर इक्वल टू वन। वन अपॉन ई वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इसेंट्रिसिटीज के बीच में रिलेशन है। इसेंट्रिसिटी किनकी, दो कॉन्जुगेट हाइपरबोलास की। ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास, तो एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, हाइपरबोला का कोई भी पॉइंट हो तो उसके दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और ट्रांसवर्सल एक्सिस के इक्वल होता है। तो पीएस माइनस पीएस डैश का जो मैग्नीट्यूड है, जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा और ट्रांसवर्सल एक्सिस के इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल एक्सिस टू ए इस वाले केस में जो हमने यहाँ पे बेसिकली बनाया हुआ है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अगर एक हाइपरबोला, दो हाइपरबोला हैं और पहले का ट्रांसवर्सल एक्सिस दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सिस के इक्वल होता है और जो पहले का कॉन्जुगेट एक्सिस है वो दूसरे का ट्रांसवर्सल एक्सिस होता है, तो दोनों हाइपरबोला एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन का जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। इसकी इसेंट्रिसिटी ई वन है, इसकी इसेंट्रिसिटी ई टू है। इसेंट्रिसिटी को हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं हम लोग। तो ये अगर ई वन ई टू है, इनके बीच रिलेशन है, वन अपॉन ई वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू स्क्वायर इक्वल टू वन। तो दोस्तों नोट कीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिस हाइपरबोला में ट्रांसवर्सल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इक्वल, जिस हाइपरबोला में ट्रांसवर्सल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जितनी लेंथ ट्रांसवर्सल एक्सिस की है उतनी ही लेंथ जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस की है, तो दोनों एक्सिस की लेंथ अगर इक्वल है तो वो कहलाएगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है,
बाकी चीज ठीक है कि जो वर्टिसेस हैं इसेंट्रिसिटी की बात करें इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी रूट टू क्योंकि दोनों इक्वल है जो जब पढ़ते जा रहे हैं आप इसे रिवाइज कर सकते हैं रिकॉल कर सकते हैं आप वीडियो पीछे ले जाकर दोबारा प्ले करें और सर दोबारा लेंगे एक होता है ऑक्सिलरी सर्कल ये ऑक्सिलरी सर्कल जो है ये हम किसको कहते हैं अगर हम इन वर्टेक्स की बात करें इसको एज ए डायमीटर लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करें जिसका सेंटर ओ तो ये जो सर्किल है दिस इज ऑक्सिलरी सर्किल एक सर्किल जो कि ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ को हमने डायमीटर एज्यूम करते हुए ओरिजिन को ठीक है सेंटर मान करके सर्किल ड्रॉ किया तो ये सर्किल हमारा ऑक्सिलरी सर्किल कहलाता है आई होप समझ में आया होगा टेकिंग ट्रांसवर्सल एक्सिस एज डायमीटर ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर ओरिजिन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किल इस सर्किल की रेडियस ए और सर्किल की ग्रेडिंग क्या होगी दोनों वर्टिसेस इस सर्किल पे लाई करेंगे ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो Okay.
पोजिशन ऑफ ए पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन है, इनकी पोजिशन हमें देखनी है कि पोजिशन विद इन द हाइपरबोला आ रहा है या ऑन द हाइपरबोला आ रहा है या आउटसाइड द हाइपरबोला है। तो हम लोग किस तरह से देखते हैं, देखिए हम लोग के पास इक्वेशन है हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इस पे पॉइंट से एक्स आई लाते हैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, वन इस साइड में लिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जीरो रह गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ये पॉलिनोमियल बन गया हमारा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू डिपेंड करेगी एक्स वन और वाई वन पर। तो जब एक्स वन और वाई वन रखने पर तीन ही केस होंगे रखेंगे तो इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो आएगी, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव आएगी, या इक्वल टू जीरो आएगी, या फिर लेस देन जीरो आएगी, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, कौन सा पॉलिनोमियल, तो हाइपरबोला से हमने फॉर्म किया है और उसमें पॉइंट की वैल्यू पुट की है, तो पुट करने के बाद जो पॉलिनोमियल की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट होकर आ रही है वो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट विद इन हाइपरबोला होगा, और अगर ये वैल्यू जीरो आई है तो इसका मतलब ऑन द हाइपरबोला होगा, यानी कि हाइपरबोला पे लाइक कर रहा होगा, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई है तो आउटसाइड हाइपरबोला होगा। तो कोई भी पॉइंट हाइपरबोला पे है, उसके अंदर है या उसके बाहर है, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उस हाइपरबोला से पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हम लोग लेफ्ट जितना भी आपके वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, राइट हैंड साइड को छोड़ते हैं, जीरो छोड़ते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उसको एज ए पॉलिनोमियल हम लोग कंसिडर करते हैं। जब उसे एज ए पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं तो पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम लोग कहेंगे कि पॉइंट हाइपरबोला के अंदर है, इनसाइड द हाइपरबोला, और अगर ये इक्वल टू जीरो आ रही है तो ये कहेंगे कि पॉइंट डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाइक कर रहा है, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो हम लोग कहेंगे ये पॉइंट आउटसाइड द हाइपरबोला। ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आती है तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे। लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन या तो इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी दैट इज सेकंड, टच करती हुई जाएगी दैट इज टेंजेंट, या फिर आउटसाइड, ना इंटरसेक्ट कर रही है ना टच कर रही है। ठीक, तो कंसीडर लाइन, कोई लाइन कंसीडर करते हैं,
एक लाइन कंसिडर की है हमने वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक हाइपरबोला कंसिडर किया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब अगर यहाँ पे एक छोटी सी फॉर्मेशन सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ये तीन कंडीशन है। अगर इसमें सी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तब तो ये सेकंड है, लाइन इज सेकंड। और अगर ये इक्वल है तो ये क्या होगा टेंजेंट, ये टेंजेंट की कंडीशन भी है। और तीसरा केस होगा ये इससे लेस है तो लाइन आउटसाइड है, हाइपरबोला। तीन कंडीशन हुई आपके सामने, पहली कंडीशन देखिए लाइन है कोई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्लोप फॉर्म में लाइन ली हुई है हमने, कोई भी लाइन क्वेश्चन है उसे हम स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो लाइन हमने कंसीडर कर ली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक हाइपरबोला कंसीडर किया हुआ है हमने एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक। अब अगर सी स्क्वायर और दूसरा पार्ट है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अगर सी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तब ये सेकेंड, सेकेंड मीन्स इंटरसेक्ट करती हुई जाती, ठीक। और अगर सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो ये टेंजेंट है, और अगर सी स्क्वायर छोटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो ये आउटसाइड द हाइपरबोला, कहीं भी हाइपरबोला से बाहर लाइन है। जो बीच वाली कंडीशन है ये हम लोग कि लाइन जो है वो टेंजेंट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए ये कंडीशन एज इट इज यूज करते हैं, ठीक है। आप सब इससे परिचित भी होंगे। हाइपरबोला की पैराबोलिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक x इक्वल टू ए sec थीटा वाई इक्वल टू बी tan थीटा, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की पैरामेट्रिक हिंदी में कुछ कहते हैं इसे, रिकॉल नहीं करते अभी, जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं इसे, ये होती है x इक्वल टू ए sec थीटा एंड y इक्वल टू बी tan थीटा। हमने पढ़ाई हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पर कितना होता है, कितना होता है वेरी गुड 1 होता है।
sec square theta minus tan square theta पर होता है sec square theta यानी कि x square upon a square minus tan square theta यानी कि y square upon b square equal to 1। ये इक्वेशन हुई है पैरामेट्रिक, ठीक। अब हमें इसकी टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो कोशिश करते हैं हम लोग फाइंड आउट करने की। टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, एक पॉइंट है जो पैराबोला अप्लाई कर रहा है एक्स वन वाई वन, उस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो चूंकि हम लोग पहले से वाकिफ हैं इस चीज़ को, जानते हैं कि कोई भी कॉनिक सेक्शन अगर उसमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस बाई एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 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 वन, टू एक्स इज रिप्लेस बाई एक्स प्लस एक्स वन, टू वाई इज रिप्लेस बाई वाई प्लस वाई। ये हमारा कन्वर्जन है, हम जब इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है। टेंजेंट मतलब जो टच करती हुई जाती है, जो इस कॉनिक सेक्शन को कहीं भी टच कर रही है, कहीं भी मतलब पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन का, ठीक है, वो पॉइंट हमें गिवन है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर क्या जाएगा एक्स एक्स वन को रिप्लेस करना है हमें x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करना है y y1 से, 2x को रिप्लेस करना होगा x plus x1 से, और 2y को रिप्लेस करना होगा y plus y1 से। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कोई पॉइंट है कहीं पर, कोई पॉइंट है पी, यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, एक इस पॉइंट से इसको टच करती हुई जा रही होगी, इधर से टच करती हुई जा रही होगी, ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। यानी कहीं अगर कोई पॉइंट बाहर है, कोई आउटसाइड पॉइंट है, वहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
इन जनरल किसी पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो दो पहली टेंजेंट होगी वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ऐसे टच कर रही है, सुविधा टच कर रही है। तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम वन एक्स माइनस एक्स वन और वाई माइनस वाई टू एम टू एक्स माइनस एक्स टू। जो टेंजेंट यहाँ से इधर टच करेंगे इस पॉइंट से पास हो रही है, इस तरह से एंगल पिच किसी पे होगी, यानी कि स्लोप कुछ होगी इसकी एम वन में। इसी तरह दूसरी टेंजेंट ये आ रही है, ठीक, वो भी तो इस पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन उसकी टेंजेंट कुछ हो, उसके स्लोप कुछ हो रहा है एम टू। तो पहली टेंजेंट जिसकी स्लोप एम वन है, दूसरी स्लोप इसकी एम टू है। अब ये एम वन और एम टू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एम वन एंड एम टू M1 और M2 जो है वो एक इक्वेशन के रूट्स हैं, वो इक्वेशन है x1 square minus k m square minus 2x1 by 1 m और क्या रहेगा y1 square ठीक। ये क्वेश्चन लिखी हमने छोटी सी, ये क्वेश्चन है आपकी एक्स वन स्क्वायर माइनस ए वन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू एक्स वन वाई वन एम प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट्स एम वन और एक रूट्स एम टू होगा। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन इसकी टेंजेंट्स की भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। डेफिनेटली अगर इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक है, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करें, डी से फाइंड आउट करने की कोशिश करें, डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगी तभी इसकी दो रूट्स मिलेंगे। तो यानी कि तभी दो टेंजेंट्स होंगी, अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई तो दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों टेंजेंट सेम हो जाएंगी। तब उस केस में उस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रा हो रही होगी, और इट में भी कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा हो हाइपरबोला पे। जब हाइपरबोला पे लाई करता है तो उस पर एक ही टेंजेंट ड्रा हो, तो अगर डी की वैल्यू जीरो है तो वो एक ही टेंजेंट होगी, और अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो दो टेंजेंट्स होंगी, और निगेटिव आता तो आपको पता ही कि रूट्स इमेजनरी हो जाते हैं, यानी कि आपकी टेंजेंट्स जो है कैसे होगी इमेजनरी हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब तक का सब क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो क्या करना है, पीछे जाना है, फिर से देखते हुए चले जाना है। ठीक, जहां पे डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, और जहां पे नोट करना हो, वीडियो रन हो रही हो तो पॉज करिए और आगे बढ़िए। तो थोड़ा सा नॉर्मल की बात कर ले हम लोग, जिस तरह से नॉर्मल क्या होता है, इस पर एक पॉइंट है, उस पर टेंजेंट है, पॉइंट है,
पॉइंट पे टेंजेंट है। इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री के एंगल, दिस इज नॉर्मल। क्लियर? तो नॉर्मल फाइंड आउट करना है। नॉर्मल क्या है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं तो नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट की एक जनरल इक्वेशन भी है हमारे पास, आपको ध्यान है अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले y इक्वल टू एम एस प्लस सी, और c अगर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है c स्क्वायर, तो फिर c की वैल्यू आ जाएगी रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वैल्यू c की जगह पुट कर दीजिए। ठीक, तो नॉर्मल अगर हमें फाइंड आउट करना है x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, और हमें इस पर क्या करना है? टेंजेंट फॉर्म करना है। तो सिंपल a square x upon x one minus की जगह क्या प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्लोप इसकी और टेंजेंट की और इसके स्लोप की प्रोडक्ट का होती है माइनस वन होती है। स्लोप b square y upon y one, सिंपल सॉरी यस a square प्लस b square। जो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चेंज हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। और जब नॉर्मल की इक्वेशन आती है तो थोड़ा सा इनके बीच रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करें लोग। एक बात और करते हैं, डायरेक्टर सर्कल के, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? दो ऐसी टेंजेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दो ऐसी टेंजेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बहुत सारी ऐसी टेंजेंट्स होंगी, तो एक पेयर जो कि परपेंडिकुलर है, दूसरा पेयर जो परपेंडिकुलर है, तीसरा पेयर टेंजेंट्स का जो परपेंडिकुलर है, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है दैट इज डायरेक्टर सर्कल। ठीक, लोकस ऑफ
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर डायरेक्ट सर्किल, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट सर्किल की इक्वेशन होती है। क्लियर है? अब यहां पे अगर बी स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर तो सर्किल रियल, और अगर बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर के, आप सोचिए बी स्क्वायर अगर इक्वल है ए स्क्वायर पर तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यानी एक सर्किल जिसकी रेडियस जीरो है, सर्किल जिसकी रेडियस जीरो है, ऐसा सर्किल क्या होता है? ऐसा सर्किल होता है पॉइंट। ऐसा सर्किल क्या होगा? पॉइंट। तो दिस इज पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल जिसका सेंटर कहां है, इस सर्कल का सेंटर कहां है? इस सर्कल का सेंटर है जीरो कॉमा जीरो, दैट इज ओरिजिन। पता है, पहचानिए इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाली फॉर्म। सेंटर से पास सेंटर उसका जो ओरिजिन है वो सेंटर है, और उसकी रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। ठीक है, तो अब सर्किल जिसकी रेडियस जीरो पॉइंट हो गया, उसका सेंटर ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो, यानी कि ये इक्वेशन हुई पॉइंट सर्किल एट ओरिजिन। और अगर बी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर से, तो पता लगा होगा नेगेटिव आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, रेडियस का स्क्वायर ही नेगेटिव है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये सर्किल कैसा होगा, इमेजिनरी सर्किल। ठीक है, रेडियस इज इमेजिनरी, यानी कि ऐसा कोई सर्किल नहीं होगा। साइन मारता हूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, नोट्स के उसमें काम आता है। डायरेक्टर सर्किल की हमने बात की थी, डायरेक्टर सर्किल क्या था एक बार शॉर्ट में रिकॉल करते हैं, पीछे निकल करते हैं। कोई हैकर
इसकी ऐसी दो टेंजेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक ऐसा पेयर, ऐसे कोई दूसरा पेयर, वो दोनों टेंजेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऐसे ही कोई तीसरा पेयर, वो दोनों टेंजेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऐसे ही चौथा पेयर, वो दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इस तरह से जितने भी पेयर पॉसिबल हैं उन सारे पेयर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम नोट करें तो देखिए उसका जो पाथ है मींस लोकस, वो लोकस कहलाता है डायरेक्टर सर्किल। और उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सर्किल होगा जिसके सेंटर क्या होगा, 0,0, इसका जो सेंटर दिखाई देगा वो करेंगे 0,0 ओरिजिन, और जो इसकी रेडियस है वो दिखाई देगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देख के समझ में आना चाहिए कि रेडियस क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है तो ठीक सर्किल है, हाँ सर्किल का सवाल रियल होगा। लेकिन अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। 0 का मतलब रेडियस 0, रेडियस 0 यानी सर्कल का सब ये सर्कल, इसकी रेडियस कम और कम और कम और कम और कम, बिल्कुल कम, खत्म 0। तो क्या बने, दैट इज पॉइंट। तो इक्वेशन किसकी रह जाएगी, पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल की, और पॉइंट वो भी कौन सा वाला, ओरिजिन, क्योंकि इसका सेंटर 0,0 का, क्लियर। और अगर बी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा निगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर, दैट इज रेडियस इज इमेजिनरी, यानी ऐसा कोई सर्किल पॉसिबल नहीं, ठीक। एक क्वेश्चन कॉपी करता हूँ फिर बताता हूँ।
क्वेश्चन बोर्ड पे है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस आर इक्वल टू वन, वेयर मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन। ठीक, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एलिप्स को, हाइपरबोला को, सर्किल को, या इनमें से किसी को भी, नन ऑफ दीज। मन में आ रहा बस हाइपरबोला पढ़ाया जाता तो क्वेश्चन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन रीजन भी पता हो ज्यादा बेटर है। मॉड ऑफ आर लेस देन वन, इसका मतलब वन माइनस आर कैसा होगा पॉजिटिव, वन प्लस आर कैसा होगा पॉजिटिव, वन माइनस आर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर किसी न किसी का स्क्वायर हो सकता है, मे बी इक्वल टू समथिंग, ये भी किसी का स्क्वायर हो सकता है। हाइपरबोला के जनरल ये नॉर्मल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव नंबर, एक्स स्क्वायर अपॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव नंबर इक्वल टू वन। तो यही फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव नंबर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव नंबर इक्वल टू वन। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिनेटली हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आती है, तो और थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हल्के से, फिर बात करते हैं। ये नोट करना, मैं हटता हूँ, पॉज कर सकते और अब आप आगे बढ़ते हैं। दो पॉइंट्स क्लियर क्यू, जहां पे कंडीशन है हमारे पास पाई बाय टू बी द टू पॉइंट्स, if h comma k ज्यादा गर्मी है, परेशान ज्यादा कर रही है, intersection of normals at P and Q, then value of Q K. ये क्वेश्चन है छोटा सा आपके पास,
कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, पी जो है वो है आपका ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, और क्यू एक पॉइंट है ए सेक फाई कॉमा बी टेन फाई, जहाँ पर थीटा प्लस फाई जो है ये आपका पाई बाई टू है। तो ये दो पॉइंट्स हैं किसी हाइपरबोला पे, वो हाइपरबोला की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। एच के विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू, इन पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे जो नॉर्मल्स ड्रॉ होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एच कॉमा के। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा अलग हटके करते हैं, एक तरीका तो हमारे पास सिंपल सा है कि हमने नॉर्मल की क्वेश्चन अभी पीछे पड़ी है, पॉइंट हमें पता है, बस सर पहले नॉर्मल की क्वेश्चन निकालें उसी लिखे और वहाँ से सॉल्व करें। एक और छोटा सा तरीका है, हम दोनों तरीके से करने की कोशिश करते हैं। पहले एक तरीका जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन वाला लेते हैं, याद है आपको डिफ्रेंशिएशन वाला तरीका कि हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन टू वाई, ये होती थी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर एक्स, ठीक। पॉइंट कौन सा है, एक्स की जगह पे है, पहला पॉइंट ले रहे हैं हम, तो बी टेन थीटा यह स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x वन, ठीक, कोई प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा धीमे आराम से सॉल्व करिए कोई बिना टेंशन के, और देखिए क्या आता है। a x a साइन थीटा माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन इक्वल टू जीरो। ठीक है, वैल्यू किसकी निकाल ली, के की, के कहां है एच कॉमा के। तो एक्स एलिमिनेट करने की कोशिश करें हम लोग, इतना अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्योंकि बोर्ड इतना ही है और हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी और करनी है तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसे पॉज कर लीजिए और फिर दूसरी क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं।
ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई साइन थीटा से डिवाइड एक्स ए माइनस बी वाई कॉसेक थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड किया है सेक थीटा इक्वल टू जीरो। जिस तरह से हमने एक पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड सॉरी नॉर्मल फाइंड किया हुआ है, ऐसे ही जो दूसरा नॉर्मल आएगा वो क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल। मैं पहले फर्स्ट लिख लेता हूं ताकि नीचे से मिटा दिक्कत ना हो। तो हमारी एक जो पहली नॉर्मल आई है उसकी इक्वेशन आई है एक्स ए माइनस बी वाई कोसेक थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा इक्वल टू जीरो। तो सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन आई है आप देख रहे हैं क्वेश्चन नहीं क्या है एक्स ए माइनस बी वाई कोसेक फाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक फाई इक्वल टू जीरो। इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी वाई कॉसेक फाइव माइनस कॉसेक थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा माइनस सेक फाइव इक्वल टू जीरो। फाइव को आप लिख सकते हैं पॉइंट क्या है एच कॉमा के, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां निकल के आया बी वाई कॉसेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन बी सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये क्या है? तो ये कैलकुलेशन जो की है हमने लास्ट में, ये आपका के की वैल्यू जो पूछी गई थी क्वेश्चंस को एक बार देख करके समझिए। क्वेश्चन था कि पी एक पॉइंट रखा है, दूसरा पॉइंट क्यू दे रखा है, एक पॉइंट पी है ए सेक थीटा बी टेन थीटा और पॉइंट क्यू है ए सेक फाइव कॉमन बी टेन फाइव, जहाँ थीटा प्लस फाइव कितना है फाइव बाई टू है। ये दो पॉइंट्स हैं कहाँ पे? इस हाइपरबोला पे, और इन दोनों पॉइंट्स पर एक नॉर्मल ड्रॉ है। पहले पॉइंट पर एक नॉर्मल है, दूसरे पॉइंट पर एक नॉर्मल है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एच कॉमा के पर। तो उस के की वैल्यू निकालनी थी, हमने शॉर्ट आउट किया कि पहले पहले पॉइंट पर नॉर्मल निकाला जो कि ये आया, दूसरे पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाली जो कि ये आई। दोनों को सॉल्व करके हमने वाई की वैल्यू निकाली, ये वाई इस के है तो
ए की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉर्ट आउट होता है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं हम लोग, अभी कल कंटिन्यू करेंगे आगे इसको। तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़िए और कोविड 19 का पालन कीजिए।